Hello, my friends. So today we are going to do question number 8 and 9. Remember, on ये question number 8 है, 9 क्योंकि दोनों question का explanation थोड़ा सा lengthy है, तो याद रखिए दोनों का अलग-अलग video है. यहाँ पे question number 8 and 9 अभी पढ़ लेते हैं. और question number 9 के लिए आप, you know, एक और video है जो easily आप देख सकते हैं. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फटाफट देखते हैं. हु सेड ऑफ द ब्लैंक वर्स कोटिंग एन अननेम्ड क्रिटिक दैट इट इज वर्स ओनली टू द आई. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको इसको समझने के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि ये एक्चुअली किसने बोला, कब बोला. ओके, और इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है. और एक क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका अलग वीडियो है, आप चेक कर लीजिएगा. ओके, सो पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज थ्री काइंड्स, इज ऑफ थ्री काइंड्स. तो इसमें ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ओके, उस वीडियो में. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज इट एंड नाउ आई टू हैव दिस वन. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया. और याद रखिए मैं लेक्चर के बाद आपको ये भी, यू नो, व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा यदि आपने कोर्स सब्सक्राइब किया है तो. इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, हम अलग से भी टॉपिक को कवर करेंगे और उसका भी आपको हैंड रिटन नोट्स, वीडियो लिंक एंड पीडीएफ कॉपी, जो भी डिटेल है वो आपको मिल जाएगा यदि आपने कोर्स सब्सक्राइब किया है तो. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ब्लैंक वर्स होता क्या है. ओके, और ब्लैंक वर्स सबसे पहले याद रखिए ये फीचर्स, एक तरह से फीचर्स हैं ब्लैंक वर्स के, कि ये क्या होता है, ये अनराइम्ड होते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए ये अनराइम्ड होता है. पहला फीचर अनराइम्ड आम्बिक पेंटामीटर की यदि हम बात करें, ब्लैंक वर्स क्या होता है, एक तो पेंटामीटर होता है, ठीक है, और आम्बिक होता है. आम्बिक का मतलब याद रखिए जो फर्स्ट सेलेबल होगा, है ना, तो वो कैसा होगा, वीक, और दूसरा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, इसीलिए वो एम्बिक है. मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे बताया हुआ, ठीक है. तो और पेंटामीटर, पेंटामीटर क्यों है, क्योंकि ये 5 फीट का होता है ना, एक लाइन में, एक लाइन में 5 फीट होता है, याद रखिए. अब सेलेबल आपको पता ही है, जो एक यूनिट है, एक यूनिट या फिर एक वर्ड जो है उसमें आने वाला वाल. ओके, वाल यानी कि वोवेल जिसे आप बोलते हो, ठीक है, ए ई आई ओ यू. ओके, तो वाल साउंड, ठीक है, इसके बारे में. तो ये हमारा एक यूनिट बनता है, एक फीट बनता है. और चलिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो आपको सबसे पहला याद रखना है ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड होता है. ओके, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर होता है. यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए, चाहे आप टीसीटी पीसीटी और नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 फीट होता है, 5 फीट होता है, तभी ये क्या कहलाता है, पेंटामीटर. अब देखिए जब 5 फीट, मैंने देखिए फूट मतलब सिंगल, सिंगुलर, और फीट मतलब क्या, प्लूरल. तो 5 फीट, तो एक एक फूट की यदि हम बात करें तो एक फूट ये रहा आपके, और एक फूट, दो फूट, तीन, ऐसे करके टोटल 5 हो गए, तो 5 फीट यानी पेंटामीटर हो गया. अब ये जो है वो सिलेबल है, ये मीटर, मीटर अरेंजमेंट है, सिलेबल का अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट कैसा है, वो मीटर होता है हमारा, ठीक है, पेंटामीटर. तो ये अरेंजमेंट कैसा है बताइए, ये एम्बिक अरेंजमेंट है. एम्बिक अरेंजमेंट का मतलब पहला वाला वीक, दूसरा वाला स्ट्रांग, पहला वाला वीक, दूसरा वाला स्ट्रांग सिलेबल. ओके, याद रखिए. सो एम्बिक, अब यहाँ पे यदि हम वीक का बोले तो वीक का ये यू वाला जो शेप आप देख रहे हैं ना, तो यह वो क्या होता है, इसका आप सिंबल बोल लीजिए कि ये क्या है, ये डिनोट करता है कि ये वीक है, ठीक है. और यदि ऐसे करके बना होगा तो यानी कि दूसरा क्या है, ये स्ट्रांग है, ठीक. अब चेक करते हैं और आगे, फाइन. सो देखिए यहाँ पे एम्बिक का बताया हुआ पहला वीक और दूसरा स्ट्रांग होता है. अब ये मैंने आपको बताया था फूट, फाइन. अब फूट में देखिए यहाँ पे कि फूट में क्या है, कि पहला वाला कैसा है,
शॉर्ट है, वीक सिलेबल बोल सकते हैं, शॉर्ट बोल सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड बोल सकते हैं, और दूसरा वाला कैसा बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सिलेबल और लॉन्ग सिलेबल, ठीक है, तो ये याद रखिए, ठीक, या असेंडेड भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 7, 8, 9, 10, ओके, तो ये 1 फुट में कितना लेंगे आप, दो, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, है ना, ये हो गया 1 फुट। और ऐसे ही आपने देखे यहाँ पे 10 तक पहुंच रहे, यानी कि 5 फीट हो गए, यानी पेंटामीटर तो बन गया, चलिए एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब ये आम्बिक है कि नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहला वीक, दूसरा स्ट्रॉन्ग, हाउ, है ना, ये थोड़ा सा वीक है, स्वीट, इसका जो वाल साउंड है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, तो वीक वाल और यू नो स्ट्रॉन्ग वाल को भी आप चेक करते रहिए जो उसमें सेलेबल दिए हुए हैं, ठीक है, द, फिर उसमें जो जो साउंड है लास्ट में, है ना, वीक, मून, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ व्हाट एम्बिक पेंटा मीटा, ओके, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, नहीं आएगा तो मैं उसी दिन क्लास के बाद क्लियर करूंगा, रिमेम्बर इट, तो आप उसी दिन डाउट पूछ सकते हैं, सेम डे, एक हफ्ते के बाद नहीं, सेम डे ही आप डाउट क्लियर करें अपना, ओके, चलिए अब देखते हैं। सो वन एंड वन डाउट सेशन में आप बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये पोर्शन मुझे वीडियो में नहीं समझ में आया, तो भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था अभी कि इसका यू नो यदि जस्ट सेकेंड लिमिट चेक, या तो सबसे पहले ये शॉर्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, ओके, आम्बिक। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये वाला क्या है आपका, वीक है, ये स्ट्रांग है, फिर इसमें वी जो सेलेबल है ना, वाल साउंड है आपका वीक है, यहाँ पे क्या है स्ट्रांग है, तो इस तरह से आपके कितने हो गए, 10, यानी कि 5 फीट, ओके, ये 1 फुट हो गया। और एम्बिक है क्योंकि पहला क्या है वीक है, दूसरा स्ट्रांग है, और सेलेबल का मतलब आपको मैंने बता ही दिया था, विच कंड, ओके, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स वॉट, अ वाल, वाल यानी वोवेल साउंड, ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं हम, और क्लास के बाद आराम से ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, तो वहां पे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब पेज नंबर 2, पेज नंबर आपको इस तरह से ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे जब आपके व्हाट्सएप पे रिसीव होगा मैसेज, तो याद रखिए ये आम्बिक, आम्बिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहला जो सिलेबल है वो क्या आपका वीक, दूसरा स्ट्रांग है, ओके, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और पेंटामीटर क्यों है, क्योंकि इसमें 5 फीट है ना, 1 1 फुट, जिसमें पहला वो एक आम्बिक अरेंजमेंट, मीटर कैसा है कि भाई आम्बिक अरेंजमेंट है ना, ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिया, और देखिए ये आपका है ना 1 फुट, 2 फुट, ऐसे करके आपके 5 फीट हो गए, है ना, 1 1 फुट मिला के, ठीक, इसलिए पेंटामीटर है। अब 1 फीट लाइन है, अब देखिए 5 फीट वाला है तो पेंटामीटर है, तो अब बाकी यू नो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ऐसा करके, तो उन सबके सबके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे लगा कि शायद यहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 फीट का होगा तो डायमीटर बोलेंगे उसको, पेंटामीटर का बोलेंगे जब 5 फीट का होगा, है ना, 4 का होगा तो पेंटामीटर, 5 फीट का लाइन बन रहा है तो हम पेंटामीटर बोलेंगे, ऐसे ही हेक्सामीटर हो गया, हेप्टामीटर हो गया, ओके, ऑक्टामीटर हो गया, यानी कि 8, तो देखिए एक बार फटाफट फिर से, मीटर, ओके, मीटर मतलब क्या हो गया हमारा, मीटर मतलब अरेंजमेंट, है ना, किस तरह से अरेंजमेंट है, जैसे आम्बिक में कैसा अरेंजमेंट होता है हमारा, पहला वीक होता है, दूसरा स्ट्रांग होता है, यही तो होता है आम्बिक में, ओके, अभी हमने देखा था वीक एंड स्ट्रांग, ओके, लेकिन ट्रोकाई में क्या होता है, पहला स्ट्रांग होता है और दूसरा वीक होता है, गॉट इट, आम्बिक में क्या होता है पहला वीक दूसरा स्ट्रांग, जबकि ट्रोकाई में क्या होता है आपका, पहला स्ट्रांग दूसरा वीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए ये जो है ना
यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग साउंड करेगा वाल, ओके जो वॉवेल है वो स्ट्रॉन्ग साउंड करेगा, दूसरा क्या करेगा वीक करेगा. सो टाइगर टाइगर बर्न एंड या बर्निंग बोल दीजिए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो अरेंजमेंट है वो जो ये जो मीटर है, मीटर में किस तरह का अरेंजमेंट है, पहला है आपका स्ट्रॉन्ग, दूसरा है वीक, इसलिए ठुकाई बन गया. और यदि इसके जगह पहला वीक होता दूसरा स्ट्रांग होता तो आम्बिक होता. ओके, और कितना फीट बन रहा है उससे पेंटामीटर हेक्सामीटर ऑक्टामीटर इस तरह से आप बता सकते हैं. ओके, सो जैसे आम्बिक पेंटामीटर है तो इसी तरह से ट्रोकाई पेंटामीटर भी बन सकता है. ओके गॉट इट. तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि भाई ट्रोकाई पेंटामीटर का कैसा पैटर्न क्या है, आप थोड़ा सा कमेंट जरूर करें. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए एक चीज मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके थोड़ा सा आपको हिंदी का उसमें टच दे दूँ. और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको हिंदी वाले में मिल सकते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा हिंदी पे मात्राओं में मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉपर जो भी लिखा हुआ है वो मिलेगा. अब आप अपना नोट्स जब बनाते हैं तो हिंदी आपकी अच्छी है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा. ओके, अब देखते हैं एनापेस्ट. एनापेस्ट में क्या होता है, पहला एनापेस्ट का जो मीटर होगा वो होगा वीक वीक स्ट्रांग. ओके, एम्बिक का कैसा था, एम्बिक का था आपका पहला वीक दूसरा स्ट्रांग. ओके, ट्रोकाई का कैसा था आपका स्ट्रांग वीक, और एनापेस्ट का कैसा है यहाँ पे वीक वीक स्ट्रांग. लाइक में जो वाल है लाइक और इसमें द और लीव्स, तो इसमें जो अरेंजमेंट है उसका जो लिया गया है वो कैसा है? दिया गया है 3 सेलेबल का 1 फीट बनाया गया है. ठीक, लाइक द लीव्स, और इसका जो मीटर है वो है आपका वीक वीक स्ट्रॉन्ग. ओके, इसीलिए ये क्या बन गया एनापेस्ट. फाइन, सो 1 फुट. ओके, इसको आप बना सकते हैं 3 सेलेबल का. जस्ट अ सेकेंड, 1 फुट. ओके फाइन, सो ये पूरा लाइन है इस तरह से, ये आप सेम जैसा वहां पर आप अभी तक चेक करते आ रहे थे वैसा ही यहाँ पे भी होगा. अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, डक्टाइल. अब देखिए डक्टाइल में क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होता है आपका, स्ट्रॉन्ग वीक वीक. ओके, याद रखिए स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग वीक वीक. ओके, तो इस तरह से आपको एम्बिक कौन सा है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जाम में जिस तरह से आपको पूछेंगे, ठीक, यदि टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, पीजीटी एंड पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इवन यदि आप यूजीसी नेट कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए. और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का अभी तक आंसर मैंने दिया नहीं आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है. अब बात करते हैं सैमुअल जॉनसन की यहाँ पे, ताकि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है सैमुअल जॉनसन जी के बारे में. तो सैमुअल जॉनसन ने क्या लिखा था, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट. और इसको हम पहले के एक क्वेश्चन में, आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 रहा होगा. ओके, मे बी 6 या 7 कोई क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है, आप देख लीजिएगा पीछे के वीडियो है ना. तो उसमें हमने एरिस्टोटल एरिस्टोटल प्लेटो, ठीक है, तो इसमें भी कुछ उसी तरह का विवाद था जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं. तो और सैमुअल जॉनसन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा. एक क्वेश्चन था, मे बी आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था, 56 या 7. ओके, हमने किया था कुछ दिन पहले. तो उसमें इसमें देखिए कि जब, और मैंने ये चीज भी बताया था सैमुअल जॉनसन ने कौन सा टर्म यहाँ पे कॉइन किया था, तो ये दोबारा आएगा लेकिन
जस्ट कॉन्सेंट्रेट, अब क्या क्या है यहाँ पे। तो ये 1779 एंड 81 में उन्होंने ये बुक लिखा था, और इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, जनरली क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो ऑथर्स लिखते हैं इस तरह से, तो क्या फॉलो करते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ओके, लेकिन इन्होंने कैसे, इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था वो ये था कि पहले कौन, किसका डेथ हुआ, फिर किसका हुआ। ओके, दिस इज हाउ। तो उन्होंने डेथ के हिसाब से, डेथ के हिसाब से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिया था। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट, या फिर द लाइव्स ऑफ पोएट्स, है ना, का पूरा नाम क्या था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ओके, फाइन। तो इसका पूरा जो नाम था वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। प्रेफेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क ऑफ द इंग्लिश पोइट, ठीक है। और 1977 में लंदन के कुछ जो बुक सेलर थे इनके पास आए, और क्योंकि वो उनको लग जो बुक सेलर्स थे वो चाहते थे भाई कोई कुछ कंटेंट मिलेगा और पब्लिश करेंगे और अमाउंट आएगा। तो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, लिखूंगा। और इन्होंने पहले छोटा छोटा लिखने का सोचा था, बाद में इन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम लिख दिए थे। ओके, उस टाइम मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में भी बताया होगा आपको। तो मेजर लाइव्स जो जिन्होंने किन किन को इम्पोर्टेंट ऑथर को कवर, उन्होंने बहुत सारे ऑथर को कवर किया। कुछ ऐसे भी ऑथर एक्चुअली जिन्हें, मतलब वो उस टाइम भी फेमस नहीं थे और आज भी हम उनको ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनको भी कवर किया। तो मेजर लाइव्स यदि बात करें तो अब्राहम कॉली, याद रखिए अब्राहम कॉली बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। ओके, और जॉन मिल्टन हो गए, जॉन ड्राइडन हो गए, ओके, जोसेफ हो गए और अलेक्जेंडर पोप हो गए। तो ये सब आपके मेजर लाइव्स हो गए जिनको इन्होंने कवर किया है। और माइनर लाइव्स, याद रखिएगा ये चीज़ क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, विलियम कॉलिन एंड विलियम सेंटोन। तो अब देखते हैं हम आगे। ओके, जो चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पेज नंबर 4 पे आ गए हैं। मैं जस्ट लेक्चर के बाद आपको दोबारा इसको भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे, पूरा नोट्स, आप आराम से नोट्स बनाइएगा। ओके, सो जॉनसन कुछ पोइट को डिसलाइक भी करते थे। आप बोलेंगे डिसलाइक करते थे, तो इस एक्चुअली यहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो कुछ लोगों को डिसलाइक भी करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने उनके वर्क को लिखा है। ओके, जैसे यदि हम मिल्टन की बात करें या फिर थॉमस ग्रे की बात करें, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये इनके पोइट्री के प्रति प्रेजुडाइस रहते थे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा भी है और प्रेज भी किया है। जैसे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने प्रेज किया हुआ है, ठीक है। जबकि हम बात करें कॉलिन को, जॉनसन पसंद करते थे लेकिन उनकी लेख को, उनके लेखन को पसंद नहीं करते थे, है ना। तो उन्होंने ये चीज लिखा है कॉलिन के बारे में, ही पुट्स हिज वर्ड्स आउट ऑफ कॉमन ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से यदि आपको लाइन देता है तो याद रखिए ये किसके बारे में लिखा है उन्होंने, कॉलिन के बारे में, जबकि वो उनको पसंद करते थे। अब यहाँ पे मिल्टन को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने प्रेज किया है, फाइन। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं मिला है, जो कि बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सब चीजें समझना चाहिए। द लाइफ ऑफ कॉली लिखते समय उन्होंने क्या किया था, मेटाफिजिकल पोएट टर्म कॉइन किया था। ओके, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें एक बार। और लाइफ ऑफ पोप इज वन ऑफ द बेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ओके, याद रखिए पोप को एक प्रॉब्लम था कूबर का। ओके, ये आपको पता होगा कि ये बीमारी हो जाती कई लोगों को। ओके, एंड मास्टरली कंपैरिजन, यदि हम पोप और ड्राइडन की बात करें, दोनों का कंपेयर करें, तो इनको कौन पसंद था सबसे ज्यादा, उन्होंने किसको प्रेज किया है, तो सबसे ज्यादा उन्होंने बोला कि यहाँ पे ड्राइडन एज अ ग्रेटेस्ट पोएट। ओके, यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ड्राइडन को उन्होंने क्या बोला है, अच्छा मानते थे, इन दोनों कंपैरिजन करें तो। ओके, जॉनसन कहते थे कि अच्छा पोइट का कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जब ये बुक लिखा था तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक और चीज था कि
कि जब राइटर के लाइफ के बारे में लिखा जाएगा तो क्या होगा, तो ज्यादातर राइटर अपने कैरेक्टर पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। आपने कई कई ऑथर्स का पढ़ा होगा, उनका लाइफ और उनका जो वो कहानी लिखते हैं, दोनों में कभी कभी क्या होता है कि मैच नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि उनका पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा ही खराब था। ओके अब चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, नेवरदलेस, अब आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है, तो नेवरदलेस जॉनसन डज अप्रिशिएट सम ऑफ मिल्टन वर्क सच एज वॉट पैराडाइज लॉस्ट। ओके, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया था। हाँ, एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट गया है, आई एम रियली सॉरी, और पीछे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, ओके लेट मी चेक, कहीं ये नीचे तो नहीं है। हियर इट इज, तो ये चीज हमारा छूट गया था। ओके, ग्रे के कैरेक्टर को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, ग्रे के कैरेक्टर को वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है, इनके कैरेक्टर को। और जॉन मिल्टन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, तो जॉनसन का जो क्रिटिकल टेंस है, यानी कि थियरी या बिलीव जो उन्होंने लिखा था, है ना, आप अपने बुक में लाइफ ऑफ मिल्टन, तो उन्होंने क्या लिखा था जॉनसन ने मिल्टन के बारे में, मिल्टन एज अ मैन हु डिड नॉट सफिशेंटली सपोर्ट एंड एनकरेज अदर्स। देखिए, तो मिल्टन को वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने लिखा, मतलब प्रेज किया है अपने बुक में। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि इसी बुक में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी बुक में मिल्टन के बारे में लिखते समय वो लाइन लिखा था उन्होंने, ठीक है। तो चलिए और क्लियर कर देता हूं मैं, सो नेवरदलेस जॉनसन डजन अप्रिशिएट व्हाट मिल्टन, लेकिन उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को अप्रिशिएट किया है और मिल्टन के अर्लियर पोएट्री को भी उन्होंने प्रेज नहीं किया है। ओके, मिल्टन के लेसिडियस को उन्होंने कंडेम किया है। ओके, और देखिए लास्ट लाइन, ये जो मैंने आपको बताया था लाइफ ऑफ मिल्टन जो उन्होंने अपने बुक में लिखा है, लाइफ ऑफ मिल्टन जब इनके बारे में लिख रहे थे, तब मिल्टन के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि ब्लैंक वर्स सीम्स टू बी द वर्स ओनली टू द आई। ओके, याद रखिए ये यहाँ से लिया गया है, तो सैमुअल जॉनसन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी आपके लिए पढ़ दिया है, तो आप जाके क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच, और यदि कुछ डाउट रहता है तो आज के सेशन में इसको पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। कोर्स यदि सब्सक्राइब करना है आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट